एंड दूसरा आप रेगुलर रिलेशन बिल्कुल मत बनाए उससे, है मतलब कि पानी की कोई गांठ बन रही होती है तब भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का टॉपिक फिर से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय पर मैंने बनाया है, जो आप लोग सोच मतलब बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं इस बारे में। सो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, होप जैसे मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ हर चीज़ को बहुत इजी करने की, तो ये वीडियो भी मैं बहुत इजी करने वाली हूँ आपके लिए। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, आप लोग, मैं मानती हूँ कि आप लोग प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, लेकिन हर एक रेमेडी आप लोगों के लिए नहीं होती है। अगर देखिए आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी रुकने में बहुत दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर की ही सलाह लेनी पड़ सकती है या फिर कोई मिराकल हो सकता है जिससे कि आप कंसीव कर लें, अदरवाइज थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ, यदि एक ट्यूब ब्लॉक हो और एक आपकी नॉर्मल हो तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। और एक होता है कि अगर सिस्ट होती है मतलब कि पानी की कोई गांठ बन रही होती है तब भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि वो हो जाती है। मेरी खुद की कज़न सिस्टर है, उसको ओवरी में राइट साइड में सिस्ट थी, लेकिन अभी वो प्रेग्नेंट है एंड बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई उसको दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जबकि डॉक्टर ने उसको बोला था कि प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत होगी, आप वेट लूज़ करो, ये करो, वो करो, बट नहीं, उसको अपने आप नेचुरल ही कंसीव हो गया। हालाँकि उसको हुआ एक 1.5 साल के बाद है, बट उसको कंसीव हुआ है। सो ये तो रही यहाँ तक की बात कि अगर आपको कुछ मेजर इश्यूज हैं, कुछ आपके अंदर कुछ वेजाइना में अगर ड्राइनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा ईचिंग रहती है, ड्राइनेस रहती है, आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है, देन भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपको उसके लिए अपने आप को हाइड्रेट रखना होता है ताकि आप अच्छे से कंसीव कर सके, और आपको बहुत पानी पीना होता है। और अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन डी की कमी है, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए ये सब चीज़ें आपको टेस्ट करवानी होती है, ब्लड टेस्ट में ही आएंगी या फिर डॉक्टर आपको देख के बता सकता है। और अगर आप चाहें तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो विटामिन डी की मेडिसिन आती है जो कि वीक में एक बार लेनी पड़ती है, तो आप ले सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप महीना दो महीना उस दवाई को लेकर देख सकते हैं। केसेस में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि ना तो हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही वाइफ के अंदर कोई दिक्कत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कंसीव नहीं होता है। सो उस केसेस में आप कुछ होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं जिससे कि आपको कंसीव होने में हेल्प हो जाए। एंड मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार भी देखे हैं गाइस, ट्रस्ट में, आप हिम्मत बिल्कुल मत हारना, जिसमें 10-10 साल के बाद भी मैंने नेचुरल लोगों को कंसीव करते हुए देखा है। मेरे खुद के पड़ोस में भी ऐसा हुआ है। सो ये तो हो गई नॉर्मल एक बात कि हाँ, आप लोग एक तो स्ट्रेस छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस चीज ने जिस टाइम पे होना है वो तभी होती है। अगर आप स्ट्रेस भी लेंगे तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं होगी तो आप प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर पाओगे। ये तो रहे यहां तक की बात। अब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जहां आप इतना डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं तो फिर आप थोड़ा सा, एक रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक तो आपको विटामिन डी की जो मेडिसिन है वो आपको मिल जाएगी, केमिस्ट से आप ले सकते हैं। आप उसे स्टार्ट कर दीजिए, वीक में एक बार लीजिए, 2 महीने तक ऐसा कीजिए। फोलिक एसिड आप स्टार्ट कर दीजिए, फर्स्ट 3 मंथ तक उसको लेके देखिए, आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। ज्यादा नहीं तो 100 में से 40-50% तो पक्का कंसीव कर ही लेंगे, ये गारंटीड है, क्योंकि ऐसा होता है। और अगर आपको अपना ओव्यूलेशन नहीं पता है कि कैसे होता है, कब होगा, तो उस केसेस में भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप अपनी डाइट को थोड़ा हेल्दी रखिए, लाइक मैंने पहले भी बोला था कि प्रोटीन बहुत खाएं आप, प्रोटीन की बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में। तो अगर आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, अगर आपको अंडे अच्छे लगते हैं या आप लोग खा सकते हैं उसको, तो फिर आप 2 अंडे दिन में, आप भी और आपके हस्बैंड भी दोनों अंडे खाओ, या फिर स्प्राउट्स लो, या फिर आप प्रोटीन पाउडर मिलता है मार्केट से, उसे आप पानी में मिला करके दिन में एक बार पी सकते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ये काम करें, इससे क्या होगा, आपके एग की क्वालिटी अच्छी होगी एंड आपके हस्बैंड के जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। सो इस तरह से आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड दूसरा, आप थोड़ी सी अगर एक्सरसाइज नहीं
नहीं कर सकते हो तो वॉक स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट कुछ करो ताकि आपका जो शरीर है वो अंदर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो। बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी होती है इसमें, बट आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के अंदर ही थोड़े से 2-4 कदम आप चलें, ताकि आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपका स्ट्रेस दूर हो और आपको कंसीव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एंड दूसरा, आप रेगुलर रिलेशन बिल्कुल मत बनाएं, उससे स्पर्म काउंट कम होता है। आप 2 दिन छोड़कर, 1 दिन 2 दिन छोड़कर के रिलेशन बनाएंगे तो आपको कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप डेली रिलेशन बनाओगे तो उससे क्या होता है, आपके जो हस्बैंड का स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं और वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप भी और आपके हस्बैंड भी अगर रिलेशन में आते हो तो पीरियड्स के 5 दिन बाद से स्टार्ट करें। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके 5 डेज बाद से आप रिलेशन बनाएं, एंड वो भी आप डेली मत बनाना, उसमें भी आप 1-1, 2-2 दिन का गैप दे सकते हो, क्योंकि एग भी है चाहे और स्पर्म भी, वो कम से कम 2 या 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपको डेली डेली रिलेशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़कर आप रिलेशन बनाओ, तब आपको अच्छे से कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये आप कहीं पे भी पढ़ लेना, क्योंकि जितना आप संपर्क में रहोगे अपने हस्बैंड के, तो उससे क्या होगा ना कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो फिर आपको कंसीव के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि पागलों की तरह कंसीव करना है तो लगे ही पड़े हो, नहीं ऐसा नहीं है। और आपको जैसा मैंने बताया है कि गैप गैप दे करके, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बोलना भूल गई हूँ कि आप फिश ऑयल के कैप्सूल्स जो हैं वो मार्केट में आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएंगे, जो 1 दिन छोड़ करके 1 दिन ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा गर्मी है या फिर जैसे किसी को ज़्यादा ही गर्मी लगती है तो उनके लिए वो थोड़े से हैवी हो सकते हैं। तो आप उसको, जिसको ज़्यादा ही गर्मी फील होती है, वो 1-2 दिन छोड़ करके ऐसे ऐसे ले लें, और जिन जो मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, जिनको कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कई बार किसी मेडिसिन का हमें थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट तो होता है, बट वो मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, थोड़े बहुत टाइम में फिर वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कई बार सिर में दर्द हो गया, जी मचलाना, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक बार लेके स्टार्ट करके देखिए, अगर आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लगता है तो आप उसे लेना स्टार्ट करें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो को शेयर करना। और जो ये कैप्सूल है दोनों हस्बैंड वाइफ ही लेना गाइस, ताकि दोनों में कोई कमी ना रहे एंड आप जल्दी से कंसीव कर लो, आपका सपना पूरा हो एंड मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।